दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से निकले कोरोना वायरस के कारण आज पूरा देश इसकी चपेट में है। पुलिस और प्रशासन लगातार मरकज में शामिल होने वाले जमातियों की खोज में लगे हुए हैं। तो वहीं पर एक जरूरी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद और 16 विदेशी जमाती समेत 30 लोगों को सोमवार रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन सभी लोगों को विदेशी अधिनियम का उल्लंघन करने, साथ ही साजिश में शामिल होने और मदद करने के आरोप में पकड़ा गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में इंडोनेशिया के 7, थाईलैंड के 9, केरल और पश्चिम बंगाल के 1-1 शामिल हैं। शाहगंज की अब्दुल्ला मस्जिद और करेली के हेरा मस्जिद से जुड़े कई लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इन सभी को महबूबा गेस्ट हाउस समेत अन्य स्थानों पर क्वारंटीन किया गया है और अब यहां पुलिस फोर्स लगाकर उनके पुलिस की गिरफ्त में होने की जानकारी दी गई है। न्यूज डेस्क।